कुछ दिनों पूर्व राजद ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसमें दरभंगा के केवटी से विधायक डॉक्टर फराज फातमी का नाम भी शामिल था। निष्कासन की खबर मिलते ही डॉक्टर फराज फातमी ने पार्टी के इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए इसे हास्यास्पद बताया था। डॉक्टर फराज फातमी के निष्कासन पर बुधवार को उनके पिता और राजद के संस्थापक सदस्य रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अली अशरफ फातमी ने राजद के रवैये से खासे नाराज दिखे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजद मुसलमानों को अपना गुलाम समझना बंद कर दे। जिस हिसाब से राजद के अंदर गतिविधियां हो रही है, लगता है कि कहीं ये उसका आखिरी चुनाव न हो। फातमी ने नीतीश कुमार से अपने संबंधों पर भी खुलकर बात रखी है। दरअसल आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर फराज फातमी, जो कि केवटी से एमएलए थे, उनको भी पार्टी से निकालने का काम किया। इससे पहले न तो कोई नोटिस दी गई उनको और न कोई बात कही गई और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का काम किया गया कि 6 साल के लिए आप सस्पेंड किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से न तो मुझसे कोई शो कॉज और न ही कोई बात कही गई और हमें भी पार्टी से निकाल के बाहर किया गया। आप देखा ही होगा पिछले दिनों 5 MLC ने राजद को छोड़ा और जनता दल यू ज्वाइन किया, उसमें भी डॉक्टर फराज फातमी नहीं गए। उसके बाद 3 MLA ने त्याग पत्र दिया, वो भी नहीं गए, वहाँ भी फराज नहीं गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैसला कर लिया है कि उन्हें हड्डी वाला नेता नहीं चाहिए, बोनलेस, जिसके अंदर क्यादत का कोई दम ही नहीं हो, ऐसे लोगों की खोज उनको है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले मुझे रास्ते से निकाला और अब डॉक्टर फराज फातमी को भी अपने राह से निकालने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये लंबा खेल नहीं चल सकता है। आप पैसा लेके राज्यसभा भेजोगे मुसलमान को, आप पैसा ले करके मुसलमान को MLC बनाओगे। अब आज की तारीख में 10-10, 12-12 मुसलमान उम्मीदवार एक एक कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं और वहां भी तौला जा रहा है कि किसका वजन ज्यादा हो उसी को देंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी पहल नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि आपने पहले भी बहुत गलती कर लिया है राजद ने, कृपया करके इस काम को बंद करें, वरना दुकान तो आपकी बंद होनी है। और मुझे लगता है कि यह आखिरी ही चुनाव होगा राजद का, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि 30 साल से जिसकी खिदमत हो उसको किनारे किया और बिला वजह का फराज को भी पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसको शोकॉज, अगर कोई गलती किया था शोकॉज तो देता। मैं राजद को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो किसी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का काम ना करे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी 1977 में आप भी वहीं थे, 89 में भी वहीं थे, दिल्ली की सरकार बनी थी और 90 में भी सरकार जब बनी थी आपकी तो किसी का सहयोग था। मैं दूसरी तरफ एक बात कह देना चाहता हूं कि आप ईमान वालों का इम्तिहान न लें, ईमान वालों को डराने का काम ना करें कि डरा करके वोट लें, ये जाएंगे कहां, ये गलतफहमी में ना रहे। ईमान वाले न तो फिरौन से डरे, ईमान वाले न तो सिकंदर से डरे,
ईमान वाले न तो चंगेज खां से डरे, ईमान वाले हिटलर से भी नहीं डरे। तो हिंदुस्तान में भी ईमान वाले किसी से डरने वाले नहीं है। वो सही वक्त पे सही फैसला अपने हिसाब से करते रहे और करते रहेंगे। जहां तक सवाल पैदा होता है नीतीश कुमार का, मैंने जो नीतीश कुमार को ज्वाइन किया, उनके मैं तीन फॉर्मूले को बहुत ऑब्जर्व किया है। पिछले जब मेरे उनके तालुकात 89 से है और मैं 89 से उनको नके ऑब्जर्व किया, मैंने साथ में भी उनके काम किया है। अगर मैं एमपी बना तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो 3C का जो उनका कंसेप्ट है, क्राइम से कोई समझौता नहीं, करप्शन से कोई समझौता नहीं और साथ ही साथ कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं, ये जो 3C है, मैं उसमें उनको 100% परफेक्ट मानता हूं। आप याद करो कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ राजद के जमाने में, आप पुराने जमाने को भी देख लो, हम लोग भी यही पैदा हुए, यही पले, यही बढ़े, लेकिन तब को और आज को देख लो। क्राइम कोई कर सकता है, क्राइम करके कोई बच नहीं सकता, करप्शन हो सकता है लेकिन करप्शन करने के बाद आप बचेंगे नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं है। और उसी तरह से कोई कम्युनलिज्म फैला करके, भाई को भाई से लड़ा करके आतंक पैदा करना चाहे बिहार के अंदर नामुमकिन है। और जहां तक आप देख लो इस सरकार का, जहां एक तरफ अति पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, ऊंची जाति के लिए रिजर्वेशन या कोई बहुत सारे काम, डेवलपमेंट का काम सब के इलाके में इक्वल, सड़क बनी तो सबके लिए, बिजली आई तो सबके लिए, स्कूल बना तो सबके लिए, उसी तरह से अकलियत के लिए भी, माइनॉरिटीज के लिए भी, जो कुछ कभी इतिहास में बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ, वो सब नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर करके दिखाया। चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे नए नए एक्सपेरिमेंट जैसे आज रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज के लिए पूरे बिहार में हर जिला में खुलना है, और दरभंगा में क्योटी में ऑलरेडी उसका फाउंडेशन हो गया, जितने वक्फ प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करना, आपने देखा मिल्लत कॉलेज के बराबर में उसका शिलान्यास भी हो गया 10.5 करोड़ से, मदरसों के अंदर बड़े पैमाने पर सालाना 100 करोड़ रुपया उनके हॉस्टल या उनकी बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए पैसा, मदरसे के टीचर को स्कूल के बराबर का दर्जा देने का काम करना, या 1200 मदरसा जो पहले सरकारी था उसको 2800 तक करने का निर्णय लेने का मामला हो, तो ये सब जो बड़े बड़े काम हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर नहीं हुआ, वो काम यहाँ हुआ, और ये सब नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और उस पर हमें भरोसा है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल जहाँ तक सामाजिक न्याय से के रास्ते से भटक गई, वहीं अकलियत को अपना वो गुलाम समझती है और वो उसको बंधुआ मजदूर समझती है। मैं तो यही कहूँगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ 32-33 हजार वोट से हारा लगातार दो चुनाव, एक मरतबा 34 हजार से, एक मरतबा 42 हजार से, और किसने हराया, क्यों हराया, नेता को मालूम है, नेता एक्शन नहीं ले सकता,
और वही ताकतें आज बढ़ करके अब्दुल बारी सिद्दीकी को कितने से हराया यहाँ पर 2,67,000 तो कभी पार्टी मंथन करती है किसी वकीलत वाले आपको वोट देंगे कि जो आपके विधायक लोग हैं वो भी वोट दिलवाएंगे जितवाएंगे लोगों को या नहीं। एक तरफ फातमी का टिकट काटा गया, दूसरी तरफ शकील को रास्ता दिखा दिया गया, और किस बुनियाद पर टिकट दिया गया आप सबको मालूम, मैं बताना नहीं चाहता मधुबनी से। तो ये सब चीजें लोगों के निगाह के सामने हैं। आज एक एक आप चले जाए केवटी के अंदर 16 उम्मीदवार को घुमाया जा रहा, वो सिर्फ जो माइनॉरिटी के 16 उम्मीदवार घुमाया जा रहा, बेचारा घूम रहा है, सब कह रहा हमारा क्लियर है तो हमारा क्लियर है। इसके पीछे क्या राज है मालूम करो, पता चलेगा। उसमें भी तोल मोल होगा, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं पूरे दरभंगा वासियों को, मिथिलांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि आप याद रखना कि राजद हर अच्छे लोगों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है, और इस चुनाव में भी बहुत सारे लोग दरकिनार किए जाएंगे, और वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं और वो लोग जो हमारी सियासत को समझते हैं और मेरा जो निशाना है डेवलपमेंट का उसको समझते हैं, मैंने दरभंगा के लिए जो कुछ किया उसको जानते हैं, और अकलियत के लिए भी जो कुछ किया है मुसलमानों के लिए वो भी जानते हैं। तो वो मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि वो मेरे साथ रहें, मेरे ऊपर भरोसा रखें। मैंने जो सन 91 में कमिटमेंट लिया था दरभंगा के लिए, आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि कुछ काम तो मेरे जरिए हुआ, चाहे वो रेल का रहा हो, चाहे 4 लेन का रहा हो, चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का लाना हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस, चाहे शिक्षा के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा विकास हुआ हो दरभंगा के अंदर,